नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में, जिसके चर्चा करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किए हैं। साथ ही साथ इस सारे कंपनीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि सारे कंपनीज के ऊपर बहुत सारे गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ भी आया है, जिसके चलते हुए आप स्टॉक मार्केट के बारे में, कंपनीज के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिले। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ हमेशा लेके आऊँगा और मैं कंटिन्यूसली लेके भी आ रहा हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। किसी भी स्टॉक के सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसके ऊपर मैं आपको अपडेट पहले से ही दे दूंगा, जैसे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा उसका नाम है HLE ग्लासकोट लिमिटेड। तो देखिए, HLE ग्लासकोट लिमिटेड जो है पिछले दिनों में 6.5% के 7% का तेजी देखने को मिला। अगर मैं एक मंथ के चार्ट पर ओपन कर दूं तो कंपनी 22% तक रिटर्न दे चुके हैं। 6 मंथ में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, नेगेटिव है। 1 साल में 40% तक नेगेटिव, 5 साल में 50% का पॉजिटिव और मैक्सिमम में भी 50% का रिटर्न। देखिए, कंपनी उतना ज़्यादा पुराना नहीं है। कंपनी 2021 में स्टार्ट हुआ था और कंपनी 26 फरवरी में कंपनी स्टार्ट हुआ था। तब से लेकर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो किए थे, उसके बाद अच्छा खासा गिरावट भी देखने को मिला। तो अभी भी कोई भी, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कोई भी निवेश करके रखे है तो आज तक वो लॉसेस में नहीं, फिर भी 51% का आसपास प्रॉफिट में है। तो कंपनी के जो मार्केट कैप है 4000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप देखने को मिलेगा। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो कंपनीज के जो परफॉर्मेंस है वो आपको दिखा दूँ। कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा हाई है, कंपनी देखा जाए तो डेप भी कम है। और रही बात कंपनीज के कंपटीटर के हिसाब से, तो कंपनी देखा जाए तो एक कैपिटल गुड्स नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के हिसाब से काम करते हैं। तो कंपनी इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो जैसे नॉन कैपिटल मतलब नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका अगर प्रोडक्ट देखेंगे तो आपको कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेगा। सबसे ज़्यादा मुझे इस कंपनी के एक चीज़ मुझे सबसे अच्छा लगा वो क्या है, कंपनी का क्लाइंट। अगर कंपनी का क्लाइंट देखेंगे तो इंडिया में बहुत सारे जगह पे, जैसे आप देखेंगे तो हैदराबाद से लेकर विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, सूरत यहाँ पे देख सकते हैं, और भी बहुत सारे, चंडीगढ़ जैसे, अहमदाबाद जैसे जगह पे आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ कंपनी ग्लोबली मार्केट में भी अच्छा खासा इम्प्रेशन लेकर रखा है। जैसे देखिए, सेल्स ऑफिस एंड यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉलेशन, तो जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, थाईलैंड हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं इसराइल हो गया, यूरोप, रसिया, कनाडा, USA, साथ ही साथ अर्जेंटीना, तो बड़े बड़े कंट्रीज के साथ कंपनी खुद का प्रोडक्ट बेचते भी है और साथ ही साथ खुद का प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन भी कर चुके हैं। तो मैं इसीलिए कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना। अभी तो कंपनी जर्नी स्टार्ट की है, अभी से लेकर ही कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा हो रहा है। जैसे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, इसका OPM मतलब मुझे बहुत शानदार लगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का जो परसेंटेज है बहुत शानदार यहाँ पे देखने को मिला। रही बात कंपनी का सेल्स का, सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे है, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हमेशा इंक्रीज होता जा रहा है। इसीलिए कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, 10 साल से लेकर 5 साल, 3 साल में अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। सिर्फ रिटर्न दिया ऐसे नहीं है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी मतलब पर इक्विटी में कितना रिटर्न कमा रहा है उसका परसेंटेज भी देखेंगे। हमेशा कहा जाता है कि 15 से 20% के ऊपर हो तो बेस्ट माना जाता है, तो यहाँ पे 30% के ऊपर भी देखने को मिला है, तो एक बेस्ट से बेस्ट लेवल को देखने को मिला है। तो कंपनी का जो लाइबिलिटी है, सबसे पहले कंपनी का जो कर्जा है वो आप देखेंगे 209 करोड़ के आसपास कर्जा है, और कंपनी का टोटल जो रिजर्व और कंपनी का शेयर कैपिटल है उससे उसको दोनों को अगर मैं सम कर दूं फिर भी कंपनी का कर्जे से कम है, एक अच्छी बात है। तो कंपनी के हर पैरामीटर आपको अच्छा लगेगा। कंपनी के इन्वेस्टर भी देखिए, प्रोमोटर के साथ साथ FISDS ने भी होल्डिंग करके रखे है इस कंपनी के ऊपर। तो प्रोमोटर के पास 74% होल्डिंग था, आज 70% के आसपास होल्डिंग है। रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के, तो मैं पहले आपको बोल चुका हूँ कंपनी में एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिला है, तो इस रेंज बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से काम करेंगे। तो इस रेंज के ऊपर थोड़ा सा वेट करिए, कभी भी मौका मिले तब इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा, जरूर कंटिन्यू करने के लिए सोचिएगा, क्योंकि इस कंपनी में एक स्ट्रेंथ आपको दिखता है।
तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा वो है एक इंश्योरेंस कंपनी, और वो भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसका नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। HDFC ग्रुप के ही एक सब्सिडरी कंपनी है बोल सकते हैं। तो HDFC ग्रुप के ही कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी पिछले दिनों में गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद देखिए क्लोजिंग अप टेन में ही हुआ है। 6.5% के आसपास यहाँ पे तेजी देखने को मिला था। इस तरीके से तेजी के पीछे कारण क्या है मैं सबसे पहले बता दूं, बहुत दिनों तक एक इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था। और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है देखिए, आप सभी जानते हैं जितने सारे शेयर होल्डर होता है उसमें से प्रोमोटर, FIS, DIS और पब्लिक, चार कैटेगरीज टाइप आपको इन्वेस्टर दिखेगा। उनमें से प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग होते हैं, प्रोमोटर कोई ट्रेड नहीं कर पाते, मतलब कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे कि कभी मन चाहे बाई कर लूंगा, कभी मन चाहे सेल कर दूंगा, ऐसे कर नहीं पाएंगे। FIS और DIS कर सकते हैं, पब्लिक भी कर सकते हैं। तो इस रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से इसका जो प्रोमोटर है उसके ऊपर देखा जाए तो इसका प्रोमोटर कौन है, HDFC, HDFC बैंक आप बोल सकते हैं। तो HDFC बैंक जो इसका प्रोमोटर है उसके ऊपर सेबी ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। उस रिस्ट्रिक्शन सेबी नहीं, RBI ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है, उसके चलते हुए HDFC बैंक के ऊपर तेजी देखने को मिला। क्योंकि देखिए वो रिस्ट्रिक्शन क्या था, आप ध्यान से देखिएगा, मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर इस डेटा को दिया गया है। यहाँ पे क्या बताया गया है, RBI अलाउज HDFC बैंक टू हाइक स्टेक इन HDFC लाइफ। मतलब यहाँ पे देखिए RBI अलाउ कर चुके हैं HDFC बैंक को कि आप खुद का स्टेक बढ़ा सकते हैं HDFC लाइफ के ऊपर। क्योंकि देखिए एक रिस्ट्रिक्शन दिया गया था कि HDFC यहाँ पे देख सकते हैं अर्गो टू मोर देन 50%। तो HDFC अर्गो मोर देन 50% के ऊपर, मतलब 50% के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा था, इसके ऊपर RBI ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। वही रिस्ट्रिक्शन RBI ने क्या कर दिया, हटा दिया। अभी HDFC बैंक खुद, HDFC बैंक और HDFC दोनों मर्ज हो जाएगा तो एक ही कंपनी हो जाएगा, ये दोनों कंपनी एक साथ इस कंपनी के ऊपर अभी खुद का स्टेक बढ़ा सकते हैं। तो ऑब्वियसली एक बहुत गुड न्यूज है, इसके चलते हुए स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। अगर मैं HDFC इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो पहले 60% प्रोमोटर के पास होल्डिंग था, और बीच में देखिए धीरे धीरे कम होते होते 50% तक आ गया, और यही से रिस्ट्रिक्शन लग गया कि 50% के ऊपर HDFC बैंक इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो रिस्ट्रिक्शन था वो RBI ने पिछले दिनों में हटा दिया। आप देख सकते हैं HDFC मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जो HDFC और HDFC बैंक के बारे में बात किया जा रहा है, जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन था 50% के ऊपर वो होल्डिंग नहीं बढ़ा सकते, तो अभी वो होल्डिंग बढ़ाएगा, और होल्डिंग बढ़ाएगा तो इस कंपनी का ग्रोथ और भी बढ़ेगा। क्योंकि प्रोमोटर जब खुद कोई कोई कंपनी के ऊपर निवेश कर रहा है, और इतने बड़े प्रोमोटर, इतने बड़े दिग्गज कंपनी निवेश कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो मैं जरूर कहूंगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर फोकस रखिएगा। अभी फिलहाल के लिए इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर प्रेशर है, चाहे वो LIC हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस SBI का हो, चाहे वो HDFC का हो, चाहे वो ICICI का हो, हर कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा लॉन्ग जर्नी के लिए, एक दो दिन के लिए आप मत सोचिएगा, इसके लिए मिनिमम 10 साल, 15-20 साल तक आपको होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ अच्छा खासा दिखेगा। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके ऊपर सेबी का बहुत बड़ा आरोप लगाया गया था सेबी के माध्यम से, और सेबी ने पूरा का पूरा कंपनी का हालत खराब कर दिया, और मुझे लगता है कंपनी बंद होने वाला है, क्योंकि लगातार लगातार कंपनी लोअर सर्किट हिट कर रहा है। कंपनी का नाम है बाइटकॉम ग्रुप। देखिए इस कंपनी में धमाका जैसा परफॉर्मेंस इन्वेस्टर को दिया। अगर इस कंपनी के मैं प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखा दूँ तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट एंड लॉस दिखा, मगर यही पे गड़बड़ी हुआ। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखते हैं ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी आपको जो दिखाते हैं वो ही है। तो पहले तो इस तरीके से बहुत सारे खराब रिजल्ट होने के बाद भी अच्छा रिजल्ट शो करके कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बूम दिखाया जाता था। अभी सेबी आने के बाद, सेबी के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन के बाद इस तरीके से चीज होना बंद हो गया। फिर भी BCG ग्रुप ने क्या किया, उन्होंने इस तरीके से फ्रॉड किया कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है, कंपनी का जो कुछ बैलेंस शीट में कुछ परसेंटेज, कुछ अमाउंट्स वो शो नहीं किया, तो वो सेबी ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, उसके ऊपर ब्रांड बैंड कर दिया। तो कंटिन्यूअली मतलब कंटिन्यूसली कंपनी गिरते जा रहा है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी की जो हालत है अभी
तो मैं आपको पहले भी बोला था कि ये जो रेंज है 16 रुपीज़, 16.75 रुपीज़, अगर इस रेंज को ब्रेक करते हैं मतलब डाउन साइड में, तो आपको जो नेक्स्ट लेवल दिखेगा 4.35 के आसपास, तो आप देखना इस लेवल तक आएगा जिस तरीके से गिरावट हो रहा है, क्योंकि सेबी ने जिस तरीके से इसके ऊपर आरोप लगाया तो मुझे लगता है कंपनी जीरो होने वाले है, क्योंकि जो आरोप है बहुत बड़ा आरोप है। उस आरोप को कंपनी झेल पाएंगे कि नहीं पाएंगे वो अलग बात है, इस आरोप के कारण लगातार गिरावट हो रहा है। उससे पहले भी हम देखेंगे तो कंपनी के ऊपर कितना प्रेशर क्रिएट हुआ था इसके लिए लगातार लगातार गिरावट। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, किसी कंपनी रॉकेट की तरह भाग रहा है तो उसके ऊपर निवेश मत करिएगा, उसके ऊपर रिसर्च करिएगा कि सही में उस कंपनी में दम है क्या, इसलिए भाग रहा है कि ऐसे ही कंपनी पंप और डंप करके इन्वेस्टर को बुरी तरीके से पीटने के लिए भाग रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये था कुछ कंपनी के डिटेल्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।